Good morning to all of you. I am starting this webinar on Sunday, which is a free webinar on 15th August. It will have two parts. First part is I'll be covering home loan. अब home loan एक छोटी सी चीज होती है वैसे तो बोलेंगे इस पे भी क्या बताना तो काफी कुछ बताने और सीखने को है आप लोग उसमें सीखना. Second part में I will be covering a project in Gurgaon which is just being launched. And why you should buy in that, I will be telling 25 reasons thereof. So, उसमें जो interested होगा वो break होगा बीच में 5 minute का जुड़ सकते हैं. Home loan is a universal subject. It will interest everybody. Particular that project may not interest everybody. जिसको भी सवाल personal पूछने हैं वो admin करके एक होगा उसको डालना तो I can see in this phone. ठीक है admin. एंड कुछ वैसे जनरली पूछूंगा तो आप एवरीवन डाल सकते हो बिकॉज मेरा फ्लो अगर यहाँ डालोगे कुछ तो फिर मेरे को डिस्टर्बेंस मिलता है. मैं कोई प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ता हूँ ना मैं कोई प्रेजेंटेशन दिखाता ना मेरी कोई स्लाइड्स. ठीक है तो मुझे यहाँ से बोलना है तो उसमें अगर बीच में किसी का सवाल है जो मैं बताऊंगा कि हाँ भी पूछ लो या कोई आता है तो एडमिन को एड्रेस कर देना वो मुझे दिख जाएगा क्योंकि सवाल का जवाब आप बाकियों से तो चाहते नहीं मुझसे चाहते हैं तो जो पूछेगा तो मुझसे ही पूछना चाहते हैं तो मुझे एड्रेस कर देना एज एडमिन. ठीक है सेंड टू एवरीवन लिखा हुआ है तो उसमें एडमिन ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है ओके मॉडरेटर नहीं एडमिन करने की कोशिश करना. ठीक है सेंड टू होस्ट भी नहीं. ओके वील स्टार्ट नाउ. लोन सबसे बड़ी चीज तो ये है कि दिस एवरीबडी कैन आंसर लोन सबसे बड़ा लोन सबसे ज्यादा लोन इंडिया में कौन लेता है हूज इंटरेस्ट इट इज इन कि लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पार्टी कौन है मिडिल क्लास. ओके टाइप करो बिजनेसमैन. ओके सैलरी वेरी गुड मिडिल क्लास. बिल्डर गवर्नमेंट. अच्छा सुन लो ठीक है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम हो उसका फायदा होता है सिर्फ एक ही सही जवाब आया पायल जी का गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बोरोअर तो जो बिगेस्ट बोरोअर है उसी को सबसे ज्यादा फायदा है तो जब उसको सबसे ज्यादा फायदा है गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा है तो यानी आप सोचो गवर्नमेंट इज ऑलवेज इंटरेस्टेड लेकिन हमने आरबीआई बनाया हुआ है तभी खटपट होती है आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर उनकी क्योंकि वो कहते हैं कि भी कम कर क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करने में फायदा है लेकिन फिर क्यों कम नहीं हो सकते जब गवर्नमेंट ही देश चलाती है तो वो ऐसे क्यों नहीं बोल देती है कर दे कम मेरे को फायदा है ऐसे नहीं कर सकते बहुत रीजन है उसके. इकोनॉमिक्स क्लास नहीं है ये. ठीक है पर ये है कि एक अब तबका था जो बहुत रोटी खा रहा था सीनियर सिटीजन का हायर इंटरेस्ट रेट जो मिलते थे दो तीन चार साल पहले 9.5 10 तक भी हिट करे थे 9 8.75 वो सब था. अब वो रजीम नीचे आ रही है श्योरली बट स्टेडिली धीरे धीरे आ रही है एंड लोगों को आज के दिन ये सोचना है कि आपको एक ऐसे एसेट क्लासेस में जाना है जहां अगर आपको कुछ मिल जाए 4-5% के करीब तो इट इज ए गुड थिंग अगर होम लोन के इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं. आपके जो भी एल्डर सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पे जो पैसे पे बैठे हैं दे शुड बी द वन गिविंग मनी ऑन होम लोन टू देयर किड्स प्रॉपरली सो दैट दे कैन टेक इनकम टैक्स रिबेट एंड यू चार्ज देम इंटरेस्ट इट इज पॉसिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लेना. मैं यहाँ पे पूरी चर्चा नहीं करूंगा मेरा काम है आपके सिर्फ चक्षु खोलना है तो नोट कर लीजिए. आई होप आप में से सब लोगों ने एक पेपर पेन तो एटलीस्ट रखा हुआ है डायरी नहीं रखी हुई है तो एटलीस्ट ठीक है 400 लोग के करीब हो रहे हैं पेपर पेन ले लो नहीं तो ये सत्संग की तरह नहीं सुनना है. या मैं केवल पॉइंट्स बताऊंगा मेहनत आपको करनी है मैं स्लाइड दिखा के एक्सप्लेनेशन नहीं लूंगा पूरा. तो आपके पेरेंट्स से आप 20 लाख लोन ले सकते हो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6 पे और उसका इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हो ये आपको पता होना चाहिए. और उस पिताजी को माताजी को 6% कहीं शायद नहीं मिल रहा हो या 7 नहीं मिल रहा हो तो आपस में डिसाइड कर. दिस इज वन थिंग विच यू शुड डू. वेबिनार है टेंजिबल फायदे बताऊंगा उसको अपनी लाइफ में कैसे भुनाना है करना है आप कर सकते. अगर आपने बैंक से लोन ले रखा और मम्मी पापा से भी ले रखा है तो दोनों का भी इंटरेस्ट कंबाइन हो सकता है ये भी पता होना चाहिए. काफी एप्स आ चुके हैं जहां पे आप ये सवाल के जवाब ले सकते हैं
बट सवाल के जवाब और गूगल पे टाइप करने के लिए भी तो दिमाग को पता होना चाहिए ना कि क्या टाइप करूं। सवालों के जवाब तो मिल जाते हैं लेकिन सवाल तो नहीं मिलते, आप समझे मेरी बात। ये तो सवाल बताने वाला कोई है कि ये कॉन्सेप्ट बता दिया अपना कर लेना, बहुत फायदा होता है, दैट इज वन। और बुजुर्गों को भी देखना है जो 55-60 से ऊपर जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन बन रहे हैं, कि भाई आप 95 इयर्स तक जी जाओगे, आप इस तरह मत सोचो कि मैं FD खेल के काम चल जाएगा आपका। सडनली FD का इंटरेस्ट रेट हो सकता है 3.5-3% पे भी आ जाए, अब वो 3 साल में है, 4 में है, 5 में है, बट वो आएगा, बिकॉज वी विल फॉलो द वेस्ट, एवरीबडी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। कॉस्ट ऑफ फंड्स ज्यादा होने से कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती, अचानक से इंटरेस्ट रेट भी नहीं गिराए जा सकते, बिकॉज इन्फ्लेशनरी होता है, इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट में इंटरेस्ट रेट कम नहीं आते। तो किसी ने जो रीजन लिखा था कि इन्फ्लेशन होगी, तो इन्फ्लेशन में तो इंटरेस्ट रेट नहीं घटाए जा सकते, वो अलग चीज, ठीक है। सो दिस इज वन। सेकेंड चीज आपको ये देखनी है इंपॉर्टेंट, कि कौन ले सकता है, होम लोन में किसका नाम है, तो प्रायोरिटी है वो नोट कर लो। सबसे बड़ी प्रायोरिटी बैंक वाले देते हैं हस्बैंड वाइफ अगर मिलके लोन ले और दोनों इनकम की इनकम, तो यू आर द बेस्ट, ठीक है। सिबिल स्कोर से तो सब कुछ लिंक्ड है ही है कि 800 से ऊपर है, 750 से ऊपर है, इंटरेस्ट रेट्स आर डिफाइंड बाय सिबिल स्कोर। नाउ गोइंग फॉरवर्ड यू विल गेट इनटू अ रेजिम वेयर वेरी गुड सिबिल स्कोर विल गेट यू समथिंग लाइक 6% 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड वेरी गुड वाला विल गेट यू 6.5, ओके वाला विल गेट यू 7.25, लिटिल बिट बैड विल गेट यू 8। तो जो विंडो आज के दिन आप देखते थे होम लोन्स की 1% की, वो बढ़ के 2.5-3% की हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस, द विंडो इज गोइंग टू इंक्रीज, सो देर आर मैकेनिज्म कि आप इस विंडो के बेस्ट वाले रिजीम में रहो, उस पर भी थोड़ा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये गोइंग फॉरवर्ड बहुत फर्क पड़ने वाला है। भाई 1 करोड़ का लोन लिया 5% पे या 7% पे मेक्स ए डिफरेंस ऑफ 17,000 रुपीज अ मंथ, कैन यू इमेजिन, 2%, 1 करोड़, 2 लाख डिवाइडेड बाई 12, 17,000 के करीब। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो बच्चे को 18-19 साल से ही फिनेंशियली उसको पैसे कुछ दे के या उसकी कैश फ्लो बनाकर और उसको लोन दिलाकर उसका सिबिल पहले ही जल्दी अच्छा करा लो, फिनेंशियल हिस्ट्री जितनी जल्दी स्टार्ट होगी उतनी अच्छा ही आपके लोन के आगे इंटरेस्ट रहेंगे। आपका डीमैट है, आपने थोड़ा लोन लिया वापिस कर दिया, छोटा लोन लिया वापिस कर दिया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, वो बताते नहीं है कभी, पर मोटी चीज ये है कि लोन डिफॉल्ट करने से तो सिबिल कम होता है, पर कभी भी लोन नहीं लिया, कुछ भी नहीं फाइनेंशियल हिस्ट्री, तो भी ऐसे नहीं कि सिबिल आप 38 साल के सो के जागे और आपने सोचा कि मैं कुछ कर, तो उसका फर्क है, उसकी हिस्ट्री चेक होती है, कॉम्प्लेक्स वो है, ठीक है। अब कौन कौन ले सकते हैं, प्रायोरिटी नंबर वन है, ध्यान से सुनना, हस्बैंड वाइफ नंबर वन, जोड़े में ही मिलता है आजकल को एप्लीकेंट चाहिए, हस्बैंड वाइफ नंबर वन। दूसरा बेटा और बाप, तीसरा बेटा और मां, चौथा दो भाई, पांचवा बेटी अनमैरिड और पिताजी, उससे नीचे बेटी अनमैरिड और माताजी, अनमैरिड बोल रहा हूं, मैरिड बेटी नहीं ले सकती अपने फादर मदर के साथ। अब इसको सेक्सिस्ट मत बोलना मेरे को, जो रूल है बता रहा हूं, बैंकों का लॉजिक भी है। वो कहते हैं कि आपस में कैसे संबंध रहते हैं, और इनहेरिटेंस, हिंदू लॉ, प्रॉपर्टी बहुत उससे उनने बना रखा है, क्या ये ठीक है गलत है, ये आपको अभियान छेड़ना है फिर इस पे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता। भाई अगर डॉटर 3 लाख रुपए कमाती है महीने के, तो अपने 4 लाख कमाने वाले पिताजी के साथ लोन क्यों नहीं ले सकती अगर वो मैरिड है, वो हस्बैंड के साथ ही क्यों उसका सेटिंग है। तो ये सोसाइटी को इशू रेज करना है, ऐसे ऐसे इशूज हैं, रियल इशूज जो रेज करने हैं, फालतू के रेज करते रहते हैं बराबरी करने में, कहां की बराबरी है भाई, आपको ये चीजें पता थी किसी को, राइट, ये सुनो जो बता रहा हूँ, जो लेडीज का बता रहा हूँ, या चक्षु खुल रहे हैं तो पीपी लिख दो, किसी को देखो, किसी को ऐसी कोई चीज पता चले जो ना पता थी, उसमें पीपी लिख दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई मुझे नहीं पता था, आपने मुझे बता दिया, ठीक है। क्योंकि जब पता ही नहीं तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो क्या हमें, आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, चर्चा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप बोलो यार ये क्या चीज,
मैरिड डॉटर कैन नॉट टेक लोन विद फादर विद ब्रदर। भाई कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी ऐसे लेनी होती है कि भाई भाई दोनों ले सकते हैं लोन, बहन भाई क्यों नहीं ले सकते, रक्षाबंधन आ रही है, मैरिड सिस्टर ब्रदर के साथ नहीं ले सकते। तो ये एक चीज मैंने बताई, ठीक लगा आपको, पीपी हुआ सबका, वेरी गुड, एम यही है, एम पीपी करना ही है सबका। आगे आते हैं, कॉम्बिनेशंस बता दिए, अब इंटरेस्ट रेट्स आते हैं। 6.75 इज द बेस्ट, 6.66 भी मिल रहा है आज के दिन। आप में से जितने भी लोग लोन लेकर बैठे हैं आज के दिन और इंटरेस्ट रेट 7.25 से ज्यादा दे रहे हैं, फिगर मैंने 7.2 7.25 बेसिकली 0.5 ज्यादा, तो वो मुझे लोन अपना नाम और मोबाइल नंबर और अमाउंट कितना है व्हाट्सएप कर सकते हैं, घर बैठे ही सर्विस मिल जाएगी। अगला टॉपिक इसी पे आ रहा था, मैं लेथार्जी, मैं आई ऑल्सो सफर्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम थ्रू दिस लेथार्जी, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको एक बहुत गूढ़ ज्ञान की तरफ ले जाऊंगा होम बोर्ड के, जिससे एकदम आपको मजा आ जाएगा कि वेल यूटिलाइज छुट्टी का दिन हो गया, एक घंटा कुछ तो फायदा हुआ। लेथार्जी क्या है, जब भी लोन लेना होता है ना, एक जान सी निकलती है, फॉर्म 16 दे, पुराना ITR दे, प्रॉपर्टी का पेपर, ये रह गया वो रह गया, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, फोटोस्टैट दे, नक्शे का पेपर दे, अच्छा ये है बैंक स्टेटमेंट और पुरानी दे, उस बैंक की दे, ये क्रेडिट कार्ड का तेरा बिल नहीं था, कुछ पेंडिंग था, इसका क्लोजर दे, पुराने का ले, आदमी की जान निकलती है। निकलती है या नहीं, जिन जिन लोगों ने लोन लिया है यस लिख दो, जिनने लिया है लोन, कि आपको जान निकलते हुए दिखा, आपको जान निकलते दिखी जिन जिन ने लोन लिया, इरिटेशन हुई क्या, ऐसे हो गया लोन, हाँ ऐसा हुआ, होता है ना। अब ये क्या करता है, ये हमारा, हाँ ठीक है, तो वही उसी पे तो आ रहा हूं ना मैं, सुन ठीक है, तो उस पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोगों को हुई है तो होती है, तो लेजीनेस क्या है कि एक बार मेरा हो गया ना, उसके बाद मेरे को चेंज नहीं कराना, क्योंकि मुझे आपको लगता है यार फिर वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1% का डिफरेंस हो गया, लोग आज के दिन, मैं बहुतों को जानता हूं जो 7.75 7.95 8 8.25 को धुरंधर है, तो प्लीज दिख दो, शर्माओ मत, मैं भी हूं उनमें से, ज्ञान बांट रहा हूं, मुझे भी चेंज करना है, क्योंकि मैं आई हैव जस्ट डिस्कवर्ड समथिंग, जो मैं क्या करता हूं, मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति 4 दिन पहले होती है, मैं वेबिनार कर देता हूं, तो मैं सोचता हूं कि शायद मैं इतना छाणा आदमी अपनी नजर में, अगर मैंने कोई चीज आज डिस्कवर करी है, मैं किसी को नीचे नहीं बता रहा, आप सब दोस्त हैं, कि यार आप लोग को भी शायद ऐसे ही इसी भावना से गुजरते होंगे, ठीक है, तो किसी भाई का 7.25 से और ऊपर चल रहा है लेथार्जी में, तो आप बता दें, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से, जब भी आप लोन लेते हैं क्या गलती करते हैं, जो मैंने भी बहुत साल करी और अब मैं नहीं कर रहा और मैं चाह रहा हूं आप भी ना करें, वो मेरी डिस्कवरी क्या है, वो डिस्कवरी है कि जब आप लोन लेते हैं ना, बैंक में चले जाते हैं, बैंक में कोई एम्प्लॉई होता है या कोई आज चलता फिरता हमें मिल जाता है, जी ये लोन दिलाएगा, हम उससे लोन ले लेते हैं। अब वो एक 10-15-20-25 हजार वाला बंदा होता है, लड़का, ठीक है, वो आज यहाँ कल यहाँ, यम्मा यम्मा, ठीक है, तो कल को जब हमारा लोन कम करने की बारी आती है तो हमें एक नया लड़का ढूंढना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो LIC वाले हैं, HDFC, वो अपना लोन 5-10-15 हजार रुपए लेके कुछ परसेंटेज कम करते, पर जो ब्रांड न्यू लोन 6.66 6.75 6.8 पे जो मिल रहा है वो नहीं मिलता, वो 7.35 पे अटक जाता है। बट वी वॉन्ट एट लेसर कॉस्ट, बट वी डोंट वॉन्ट कि यार पेपर में जाए। तो इसका इलाज ये है, यू शुड कैच होल्ड ऑफ ए पर्सन हुज अ फर्म का मालिक, रिच गाय विद लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, गुड गाय, गुड सर्विस, ठीक है। नाउ I have discovered such person, and उसको प्रॉपर्टी के पेपर आपने दे दिए, जैसे मैंने दिए उसको, अब वो आपकी शेडो फाइल बना रखी है, उसके पास सब कुछ है आपका, वो प्रॉपर्टी के पेपर फोटो स्टेट थे, उसने उसको पकड़ा दिए। अब आपको जब वहां से यहाँ ट्रांसफर करना है तो उसका एक प्रक्रिया होती है, तो वो उसमें जो आपका लेटेस्ट है वही चीज लेगा, बाकी सब कुछ है। सबसे इरिटेटिंग होती है मैप का फोटो स्टेट करना, वो मेरा मैप का फोटो स्टेट ही गायब हो जाता है, ओरिजिनल तो ले लिया LIC जिसने जिसको दिया था, तो अगली बार आपको वही नहीं समझ में आता मेरे डॉक्यूमेंट है, एक इधर पड़ा है एक उधर पड़ा है। तो एक बंदा पकड़ लो और हर साल 1.5 साल जब भी लोअर इंटरेस्ट रेट रेजिम में जाएंगे अभी हम, सो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में वी मे गो
फॉर ए गुड सिबिल वी मे गो टू 4%. नाउ वी डोंट वॉन्ट कि मैं हर साल चेंज कराने में जोर लगेगा, बट आई वॉन्ट टू सेव मनी ऑल्सो. तो अगर मेरे को कोई इंसान पका पकाया घर बैठे दे दे, सब कुछ उसको व्हाट्सएप पे भेज दूं मैं अपना लेटेस्ट, और वो अपना करा दे, तो इजंट इट ए गुड आइडिया. उसके पास मैक्सिमम 75% वही है. नाउ दैट गाय डील्स विद लोन्स ऑफ एवरीबडी, HDFC, LIC, ICICI, जो मौके पे दे रहा है ऐसे चौका मार देगा वो, तो इससे इसका ट्रांसफर कर देगा, इसका इससे, इससे इससे. आपको बार बार अलग बैंक में नहीं जाना, क्योंकि उसकी एलिजेंस 5 बैंकों के साथ है. तो अगर जो लोग आप में से लोन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मुझे अभी व्हाट्सएप कर दो, उसमें अपना लिख दो लोन पेंडिंग कितना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है एंड नाम एंड मोबाइल नंबर. ठीक है, यू कैन राइट नाउ व्हाट्सएप टू मी, क्योंकि फिर वो टेंजिबल करते करते आगे चलेंगे, हर एक का आगे इसी तरह चलेंगे. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मत लिखना, एडमिन को नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे, जो मेरा नंबर जिससे लिंक दिया है मैंने, उस व्हाट्सएप पे लोन मेरा इतना पेंडिंग है जी करा दो. उसमें शर्त क्या है, शर्त यह है कि प्रॉपर्टी NCR में होनी चाहिए या आप NCR में होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पुणे में भी हो सकती है. ओके, ये हो गया. अब अगला इंटेलिजेंट क्विकली, आपको क्या करना है, जितने भी लोग आपने कार लोन और पर्सनल लोन ले रखा है आपने से, आपको वो चुकाना चाहिए होम लोन ले. कोई भी प्रॉपर्टी का आपका होम लोन चल रहा है उस पे रेनोवेशन पे ले लो, मिल जाता है, और उससे अपना कार लोन और पर्सनल लोन चुका दो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है होम लोन का कम. होम लोन ट्रांसफर करो, होम लोन कभी भी वापस मत करो पूरा. होम लोन नहीं वापस करने के फायदे, आपने 5 लाख रख लिया होम लोन तो क्या हो गया, मोटा मोटा तो चुका ही दिया, उसकी 3,000 EMI जा रही है और 14 साल पड़ा रखा है. कभी भी अपॉर्चुनिटी आई, कभी भी पैसे की जरूरत हुई, उस सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास में, और वो लड़का जो मैं नंबर दूंगा आपको चटकता से पैसे दिला देगा 8-10-12 लाख. एंड कभी भी गाड़ी भी खरीदनी पड़े, यू कैन डू, आई होप यू अंडरस्टैंड. उस पर इनकम टैक्स रिबेट भी यू कैन टेक. सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप जीरो मत करो. उसका दूसरा फायदा, जैसे ही आपने जीरो किया प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिल गए, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भैया रखोगे किधर, लॉकर में, घर में, दुछत्ती में, अलमारी में, बक्से में, सेफ नहीं है. घर में मैंने बहुत देखा है ऐसे बुजुर्गों के डॉक्यूमेंट्स बच्चा ही उड़ा देता है, दुश्मन बाहर से नहीं आते, कश्ती वहां डूबती है जहां पानी कम होता है. ये एक एस्पेक्ट है, पता होना चाहिए. बैंक के लॉकर में बहुत सेफ है, लोन वाली प्रॉपर्टी पे कब्जा करना मुश्किल है बहुत ज्यादा. आपकी कोई प्रॉपर्टी है किसी छोटे शहर में जहां आप रहते नहीं, आते जाते नहीं, आपका पड़ोसी रिश्तेदार कब्जा करने की सोच रहा है, उस प्रॉपर्टी पे लोन ले लो. पावर पंच हुआ इस बात का किसी का, मेरे को तो लगना चाहिए, होना चाहिए यार. आपकी छोटे शहर में प्रॉपर्टी है, 4 लाख का लोन ले लो, 3 का ले लो, कुछ भी, कुछ तो मिल जाएगा आपको, नहीं चाहिए यार, कुछ कर लेना उस पैसे का. वो प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि जब पहले दिन कोर्ट में केस जाएगा तो कहेंगे भैया लोन दे रखा है, ऐसे मिल जाता है लोन, पर आपने तो पेपर अपने पास रखे, उसने कुछ और बना लिए. तो प्रॉपर्टी पे जब आपको प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है, पहले दिन ही पुलिस ही डंडे मार के खाली करा देगी जब आप लोन का दिखाओगे. ऐसा मैं अपनी पेड कंसल्टेशन में लोगों को बताता हूँ, और आज फ्री वेबिनार में बता रहा हूँ. आप लोगों को बोला था 2-2 सब्सक्राइबर ऐड करना, सब आधों से ज्यादा ने हाँ भर्ती कर दी है, ये हो गया मैंने उधर भेज दिए, तो सब्सक्राइबर ऐड हो जाने चाहिए थे. कितने मेंबर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, 437. तो 437 में से 400 ने दो बोले हुए, तो 800 सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए थे, और कितने बढ़े एक्चुअल में, 50. तो बढ़ने चाहिए थे 800 और बढ़े कितने, 50. तो यानी ये लाइफ में ग्रोथ करना कितना मुश्किल है, आप ये देखो, भीख मांगनी पड़ती है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, और आप भी नियत अच्छी है सबकी, मैं बढ़ा रहा हूँ, उसने बढ़ा दिए, कर दिया सब्सक्राइब, अरे भैया मुझे तो रिकॉर्ड पता है ना अपना, 50 सब्सक्राइबर बढ़े हैं और 800 की लोगों ने हाँ कह दी, ठीक है, और मैं उसमें भी खुश हूं, क्योंकि आई एम ए पर्सन जो एक्सीलेंट और गुड को एनिमी ऑफ गुड और बेटर नहीं बनाता. नेवर मेक बेस्ट एनिमी ऑफ गुड. लाइफ में कुछ गुड हो रहा है, नहीं मुझे बेस्ट चाहिए. लाइफ में कुछ बेटर हो रहा है, मुझे गुड चाहिए.
अरे भैया बढ़ गए, थैंक यू जिसने भी बढ़ा दिए, और जिसने नहीं बढ़ाए वो अभी बढ़ा देगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ा देगा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि भाई लोन ले लो आप, ठीक है, आपका प्रॉपर्टी सुरक्षित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, लोन नहीं चुकाने का एक और अच्छा फायदा ये होता है कि जब आपसे कोई खरीदता है, ही इज वेरी सिक्योर्ड कि यार प्रॉपर्टी ठीक है, क्योंकि आप मेरे से प्रॉपर्टी खरीदने आओ, मेरी प्रॉपर्टी, अब मेरा नाम, मेरा आधार कार्ड, मैं कौन हूं, प्रॉपर्टी मेरी ही है, उस पर काफी चेकिंग करनी पड़ती है। और आज के दिन जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ना बीच में, ये सब 10-15-20 हजार वाले लड़के आ रखे हैं, किसी को कुछ नहीं लेना देना, कहते 1% दे तुम कर लो आपस में बात, तो वो चेक कौन करेगा? तो अगर लोन लगा हुआ है तो बैंक ने चेक कर रखी, उसमें तरीके से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर, इस तरह के 12, कभी अलग टाइम पे सिखाऊंगा उसको क्या डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, ठीक है, वो सब लिखे, छोटी छोटी पर्चियों की इंपॉर्टेंस है, पानी बिजली के बिल तक की इंपॉर्टेंस है, तो वो सब बैंक चेक कर लेता है। और आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी जो लोन पे है, और आप अपने अलग लोन से ले रहे हो, सेम बैंक से कभी मत लेना, बहुत लोग गलती करते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, LIC की है वो, HDFC के लोन पे चढ़ी हुई है, तो आपको बंदा कहता है यार, और बैंक कहता है हमारा ही कर लो ट्रांसफर, इजी हो जाएगा, नहीं करना, आप दूसरे बैंक से लोन, फायदे सुनो, एक तो आपको ये होने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा भाई, 1-2 महीना भी ज्यादा मिल जाए तो क्या बुरा है, कोई बुरा नहीं है। दूसरी चीज, अगर एक बैंक ने कुछ गड़बड़ कर ली, या साठ गांठ थी, या कोई इशू था, और आंखें बंद कर रखी हैं, दूसरा तो चेक कर लेगा, डबल चेक हो गया आपका, डबल चेक हो गया, क्योंकि ये वाला तो फ्रेश लोन ले रहा है ना, बताओ इसमें हुआ पीपी हुआ इसमें, ये वाली चीज में, कि इस बंदे ने लोन लिया हुआ है, आप इससे प्रॉपर्टी ले रहे हो, और आप इसका ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो मैं लोन इंटरेस्ट रेट सबके उतने ही है, 6.75, 6.8 में नहीं, 0.05 में नहीं मरना, 0.05 में कुछ नहीं होता, अलग लो, वो वाला मतलब अलग लो, और लोन लेने वाला जिसको उसने लोन दिलाया नहीं, अपना वाला, अपने वाला बंदा रखो। तभी मैं कहता हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स यू विल बाय 4-5 प्रॉपर्टीज, 3-4 प्रॉपर्टी, यू विल सेल 2-3 प्रॉपर्टी, 5, एंड यू विल ट्रांसफर लोन्स ऑन 1 प्रॉपर्टी एटलीस्ट 4-5 टाइम्स, यू रिक्वायर 20 टाइम्स लोन का सर्विसिंग going forward, 20 times, and this is you only, so you may find somebody, your sister, your brother, your son, daughter-in-law, son-in-law, तो परिवार में एक आदमी से जुड़ जाओ, उसकी लॉयल्टी कितनी ज्यादा है आपके साथ, वो गलती नहीं होने देगा। और दूसरी चीज, इसमें जो लोन की एप्लीकेशन लेके जाता है ना बैंक में, कई बार आपका क्या होता है, किसी कारण कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कमी होती है, या आपकी सैलरी या किसी में कमी होती है, तो जो आदमी आपसे इतने दिन से जुड़ा है वो आपकी गारंटी लेता है ना, अगर आप मुझे 15 साल से जानते हो तो एक अलग आपस का रिश्ता हो गया, और एक आप मुझे आज से जानते हो, 10 साल से जानते हो, या 5 से, या 10 दिन से जानते हो, तो उसमें कहीं अटकते हो तो वो इंसान मदद करा देता है। तो जब भी प्रॉपर्टियां लो, लोन लो, गेट इन टू समथिंग विथ रिलेशनशिप। इसका मैं क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ, बाल एक अच्छे एक बंदे से कटाओ, बढ़िया पैसे दो, सब्जी एक से लो, कोई वो सर्विस के पूरे पैसे लेगा, लेकिन जैसे मेरा सब्जी वाला है, वो मैं आम लेने जाता था, अच्छे नहीं थे, तो बोलता सर मत लो, आज अमरूद ले लो, आपके लायक नहीं है, तो क्या उसने मेरे पैसे बचा दिए, दूसरे किसी को नहीं बता रहा वो बात, क्योंकि उसको माल बेचना है। सो ये वो एग्जाम्पल है, मैं बहुत वेबिनार्स में देता हूँ। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी जब भी आप लो और आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो एक अच्छे बैंक्स के थ्रू ही लो, 3-4 ही हैं, उनकी स्क्रूटनी बहुत हाई है, और प्रोसेसिंग फीस के चक्कर में मत रो, रीजन बताता हूं, एक प्रोसेसिंग फ्री है, 2000 है, कम है, एक 5-10 है, इस पर डिसीजन लेते हो, अरे वो क्वालिटी ऑफ लॉयर डिफाइन करता है, वो प्रोसेसिंग फीस किसी लॉयर को जाती है, तो जितना कम दोगे 2-4-5 हजार बचा लोगे, और प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ हुई वो बताएगा नहीं।
बिल्डर फ्लोर्स बहुत हैं जो गलत बने हुए हैं, तो बढ़िया वाले बैंक तो वही वॉन कर देंगे आपको, क्योंकि एक आपको लोन दे देगा पर अगला नहीं बेच पाओगे उसको। तो जिनके लोन नॉर्मल नहीं सैंक्शन होते वो एनबीएफसी वाले केस उठाते हैं, फिर वो फिर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आवाज आ रही है आपको? ओके हाँ ठीक है, आवाज आ रही है अभी? एक ओके अभी आ ठीक है। हाँ तो आप लोगों को ये करना है, अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? ओके नाउ ओके ना, ठीक है वो एक बार हो जाता। तो लोन के मैं कितने एस्पेक्ट्स कवर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, अलग अलग, बहुत चीजें पता थी आपको, बहुत चीजें नहीं पता, यही कलाकारी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत ज्वाइंट है, फाइनेंशियल गाइज भी बहुत इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन वो चटकता होती है ना कि यार ये हैक्स बोलते हैं इन्हें, कि इस तरह आपको करना है। लोन में खूब घुमाओ लोन, 10-12 महीने में इंटरेस्ट रेट कम हो कर दो चेंज, जब आप देखोगे एंड एवरी टाइम यू क्रॉस ओवर पे 1 or 2-3 lakhs वापिस कर दो, लोन भी जल्दी चुकता दिखेगा आपको, बहुत लोन चुकता रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में जब इशू हो जाता है तो फिर एनबीएफसी का सहारा लेना पड़ता है और हायर इंटरेस्ट रेट लेना पड़ता है ये भी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में आपके इशू है तो देखो ना, लोन का इशू हो गया ना, तो ये अगर आपने शुरू में किसी अच्छे लोन वाले से लिया होता तो पहले ही पता होता कि उस प्रॉपर्टी में इशू है, उसकी चेन होती है प्रॉपर्टी की, ए से बी को बिका, बी से सी को बिका, सी से डी को बिका, आप ई हैं, तो सी के पेपर में अगर कोई इशू आ गया तो प्रॉपर्टी में इशू आ गया, आखिरी रजिस्ट्री ठीक है लेकिन चेंज में गड़बड़ है, तो बहुत इशू होते हैं इसमें, ठीक है। कोशिश तो तभी करनी चाहिए अगर कहीं ब्रांड न्यू अच्छी बिल्डर से मिल जाए जब मौका है, क्योंकि दिल्ली में तो मौका मिल नहीं रहा, दिल्ली में तो आपको पुरानी प्रॉपर्टी ही मोस्टली लेनी पड़ेगी, पर कई शहर में जहां मिलता है वहां लेना चाहिए। अब आ जाते हैं हम डबल इनकम पे और इनकम टैक्स रिबेट पे। आपको सेक्शन 24B में 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का रिबेट गवर्नमेंट देती है। पहले क्या देती थी और क्या ले लिया वो समझाऊंगा थोड़ा सा। पहले क्या था, अगर आप रेंटल इनकम दिखाते थे और रेंट एडजस्ट करते थे तो आप अगर 8 लाख रुपए भी आपका इंटरेस्ट जा रहा है और 3 लाख रुपए रेंटल इनकम है तो 5 लाख का लॉस क्लेम कर सकते थे, जो गवर्नमेंट ने, जेटली जी ने, पेस सोल रेस्ट इन पीस, बट उन्हें चेंज कर दिया, 2 लाख गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, उससे रियल एस्टेट को काफी धक्का लगा था, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चला, ठीक है। पहले जो पायलट्स होते थे और जो अच्छी तनख्वाह कमाते थे खूब सारे, वो इसी तरह खरीदते थे, खूब खरीदते थे, ठीक है, एंड वो एक अच्छा था, पर अब जो हट गया उस पर हम रोना धोना नहीं कर सकते, जो है मैं वो बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों टैक्स देते हैं, तो दोनों प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का वाइफ एंड 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का हस्बैंड सेपरेट क्लेम कर सकता है, तो 2 लाख रुपए आपकी इनकम कम होगी तो आपको 60,000 रुपए का टैक्स बच गया, और उस पे सेस लगा लोगे 3-4% तो आपको 5,300 रुपए की मंथली सेविंग होगी, और अगर वाइफ का लगा लोगे तो दोनों का मिला के 10,500 रुपए का फायदा हो गया। तो जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो ये हिसाब किताब रखना है, दैट इज वन, ठीक है। दूसरा है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो एक्युमुलेट करके पोजेशन के बाद अगले 5 साल में डिवाइड करके क्लेम किया जा सकता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता ये वाली बात, ठीक है। सो दिस इज वन, रेडी टू मूव इन में इमीडिएटली होता है, पर अंडर कंस्ट्रक्शन में भी फायदा, अंडर कंस्ट्रक्शन में जो मैक्सिमम लोन और इंटरेस्ट है वो जब पोजिशन से ही तो बनता है, क्योंकि पहले तो 10% गया, 20%, 40%, 60%, तो दैट इज वन एस्पेक्ट, ठीक है। रिबेट बता दिया ना अंडर कंस्ट्रक्शन का, कि वो जब कंस्ट्रक्शन पोजिशन मिल जाएगा तो जितना आपने टोटल रिबेट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, उसको एक फिगर ऐड कर लो, मान लो 10 लाख रुपए, तो 5 साल से डिवाइड करोगे तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख कर लेंगे, वैसे भी रोल ओवर में आप 8 साल कर सकते हो, ठीक है, दैट इज वन, ठीक है। आप अपनी वॉल्यूम्स को भी चेक करिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने तो कुछ हिलाया नहीं, ठीक है। सो दिस वाज इट, आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 6.75% जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इनकम टैक्स रिबेट मिल रहा है और हस्बैंड वाइफ है, तो प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट हो जाता है 4.25%। 4.25% होने से अगर रेंटल यील्ड 4 आ गई तो यू आर टचिंग, दिस हैज नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री, इट्स अ बुलिश टाइम फॉर रियल एस्टेट, इट हैज नेवर हैपेंड कि इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन
इनकम टैक्स रिबेट इज देयर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप में से जो भी हस्बैंड वाइफ हैं आप लोगों को तो खरीदना ही चाहिए, और जो अकेला कमा रहा है भाई उसको भी रिबेट मिलेगा, लेकिन जो बेटा कमा रहा है बेटा बाप मिलके ले सकते हैं, उन दोनों को मिल जाएगा। तो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड यू कैन, ओके वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, आई विल बी टेकिंग